फोटो मारो भाई। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज विक्ट्री इंडोर स्टेडियम में हूँ मैं। तो आज इधर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी का टूर्नामेंट, मतलब फर्स्ट टूर्नामेंट शाहिद, हमारा ग्रैंड मास्टर जावेद जी जो थे उनका बेटा है, अयूब जी है इधर, एंड अमजद जी है, और बाकी इम्पोर्टेंट नागराज पूरा है इधर। तो इधर आज एक टूर्नामेंट वाईएस राजशेखर रेड्डी जी के नाम में आज कर रहे हैं हम। तो मैडम शर्मिला जी ने बुलाया कि एक टूर्नामेंट करने के लिए, तो ये लोग सडन प्रोग्राम रखा था, तो मुझे भी एक चांस मिला। तो मैं अभी जस्ट नो बताया कि यहाँ आने के लिए, ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए थ्री थिंग्स। पहले ग्रैंड मास्टर जावेद जी, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब मैं भी एज में बड़े हैं, लेकिन ही वॉज अ वेरी, शर्मिला जी ने बुलाया कि एक टूर्नामेंट करने के लिए, तो ये लोग सडन प्रोग्राम रखा था, तो मुझे भी एक चांस मिला। तो मैं अभी जस्ट नो बताया कि यहाँ आने के लिए, ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए थ्री थिंग्स। पहले ग्रैंड मास्टर जावेद जी, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब मैं भी एज में बड़े हैं, लेकिन ही वॉज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। एंड जब मैं पहले हैदराबाद को आया 89 में आया, तो परिचय हुआ, फिर उसके बाद क्लोजनेस हो गया, फिर सेलफोन में बात करना, मैसेज करना, क्या बट बैड लक, तो अब वो हमारा पास नहीं है। तो जब शायद ऐसे कराटे प्रोग्राम्स के बारे में जब मुझे बताया था, रिसेंटली ऑल्सो एक प्रोग्राम अटेंड किया मैं हाईटेक्स में, तो मैंने डिसाइड किया कि सेम फैमिली का ट्रेडिशन को हम हेल्प करेंगे, वो जो कंटिन्यू कर रहा है, नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट करेंगे बोल के मैंने सोचा। तो इसलिए दैट इज़ वन रीज़न। एंड सेकेंड रीज़न तो ये है कि वाईएसआर जी एक बहुत बड़ा सीएम थे, तो उनका जो स्कीम्स था, तो उसमें 5 स्कीम्स मुझे बहुत अच्छा पसंद था। फर्स्ट स्कीम मुझे जो बहुत मेरा मन को बहुत पसंद हुआ इस फ्री करंट, उचित विद्युत फार्मर्स के लिए, किसान लोगों के लिए। किसान लोग तो कुछ नहीं पूछते, वो खाली पूछते हैं करंट और पानी। पानी तो हमारा हाथ में नहीं है, तो ऊपर वाला अगर बारिश दे कर टाइम टाइम पर दे दिया, तो उन लोगों का पानी आ जाता है। करंट, करंट तो गवर्नमेंट के हाथ में,
तो अगर करंट नहीं दिया और करंट का चार्ज बहुत बड़ा रेट उनको चार्ज दिया तो लोगों को मुश्किल है। कोई भी नहीं सोचा कि वो हम उन लोगों के वास्ते हम बच रहे हैं, जो खाना आ रहा है, जो राइस दाल जो भी है वेजिटेबल्स फ्रूट्स आ रहे हैं उनकी वजह से आ रहे हैं। तो वो बहुत नेग्लेक्टेड थे वो लोग, तो उन लोगों का बारे में फर्स्ट हमारा वाईएसआर जी सोचा और फ्री करंट दिया। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जो लोग इलाज के लिए जो उनके पास पैसे नहीं थे, जो उन लोग दवा के लिए जो पैसे नहीं थे, गरीब लोग, वो लोग बहुत सफ़र हो रहे थे, कुछ लोग मर जाते थे, तो उन लोगों को सुपर स्पेशलिटी होटल हॉस्पिटल में VVIP का जो ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट दिया और गवर्नमेंट उसका बिल को देख ले। ये यू कैन नेवर फॉरगेट दिस। नंबर थ्री, विद्या एजुकेशन, जो अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज में, उन लोगों को फीस रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट ने किया। एंड फोर्थ थिंग, डवाकरा जो महिलाओं के लिए पावला वड्डी स्कीम, थोड़ा जो गरीब लोग हैं उन लोगों को लक्षाधिपति कर दिया उन लोगों ने, उनका जो स्कीम है। और जलयज्ञम, जलयज्ञम प्रोग्राम उतना अच्छा प्रोग्राम कि ऑल रिवर्स को यूनाइट करके, ये जो कालवा बोलते हैं कालवा बना के, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा बॉडी एक वेपन होना चाहिए। बॉडी वेपन मतलब नंबर वन, बॉडी एक्सरसाइज करके करके हमारा बॉडी पत्थर की तरह होना, यू शुड बी रेडी टू टेक द ब्लो एंड रेडी टू गिव द ब्लो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर गर्ल्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं हूँ यहाँ पर फर्स्ट तेलंगाना स्टेट डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी मेमोरियल कराटे एंड कुनफू चैम्पियनशिप 2021 ऑर्गेनाइज बाई तेलंगाना मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना स्टेट एंड स्टार कराटे क्लब इंटरनेशनल के, जो कि फाउंडर है ग्रैंड मास्टर मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, जो लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं और मेरे वालिद मोहतरम हैं, और मैं साथ ही साथ मेहमान खुसूसी जो हमारे डॉक्टर सुमन तलवार साहब है, जो यहाँ पर अपना कीमती टाइम दिए हैं और इतने अच्छे अल्फाज बोले हैं कि हमारे दिल में उतरते हैं। आपका मोटिवेशन और आपकी स्पीच से हर एक मार्शल आर्टिस्ट आज आगे बढ़ रहा है, सर का हमेशा सपोर्ट रहा है। आज की जो चैम्पियनशिप जो जेर निगरानी में हो रही है, जनाब अयूब साहब के, हमारे जनाब अमजद साहब, नागराज साहब, ये पूरों का सपोर्ट रहा, पूरे पूरे बड़े बड़े मास्टर्स का सपोर्ट रहा है, खास करके मीडिया वालों का भी। ये चैम्पियनशिप से हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस और आजकल सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका बच्चा जब कोई मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है तो वो एवरीथिंग एवरी पार्ट ऑफ बॉडी के लिए वर्कआउट होता है उसका, फ्रॉम हेड टू लेकर नीचे टो तक के। तो ये वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स है जिसमें आप अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चे के अंदर कितने चेंजेस आए हैं। सो हम ये चैम्पियनशिप से एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर बच्चे को मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहिए ताकि वो अपना खुद का डिफेंस कर सके और आने वाले फ्यूचर अपना सिक्योर कर सके। आने वाली जनरेशन हमारे बहुत स्ट्रांग होना है, उसके लिए लोग को कोई अच्छे से स्पोर्ट्स में, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में होना ज़रूरी है। तो मैं ये मैसेज मैं तमाम व्यूवर्स को देना चाह रहा हूँ कि सुमन सर ने पूरा बोल दिया है एवरीथिंग, हमारे डॉक्टर राजशेखर रेड्डी साहब के बारे में भी पूरा तकरीबन बोल दिया है, जैसा मैं भी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ, क्योंकि वो तो वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ CM वो थे। ऐसे ऐसे चीज़ ऐसे ऐसे जैसा आरोग्यश्री, जहाँ पर कोई गरीब लोग इलाज कराने के लिए सोचते थे, वो एक काइंड ऑफ ऐसी चीज़ थी कि आज जाती आरोग्यश्री में उन लोग को इलाज हो जाता था। ऐसे सही कई सारे स्कीम्स जो कि तेलंगाना हो गया है, तो जब ये एक यूनिक काम किया था जो तमाम स्टेट के और इंडिया के CMs में नहीं किया था। तो ये मेरा मैसेज है तमाम स्टूडेंट्स को कि अगर आपको फिट करना है, इफ़ यू वांट टू स्टे फिट, देन प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग कॉम्बैट गेम्स, खास करके कराटे। और सर भी एक, हमारे सुमन साहब भी एक ब्लैक बेल्ट है और डैडी से बहुत क्लोज रिलेशनशिप था आपका। मैं जब भी सुमन सर को देखता था तो मेरे को डैडी याद आते थे कि सुमन सर के बाद सुमन सर ऐसा, सुमन साहब ऐसा है, मियाँ सुमन साहब को इनवाइट करना है। सो ही वॉज वन, मैं डैडी से सुनते सुनते सर का फ़ैन हो गया। सो हमेशा सर मुझे हमेशा एक इंकरेजमेंट देते वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हमारे शाहिद भाई का और माजिद भाई का और हमारे सुमन साहब का मैं सो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज है सो राजशेखर रेड्डी साहब के मेमोरियल कुंफो कॉम्पिटिशन मुकर्रर करे हैं हमारे शाहिद साहब और अमजद साहब। सुमन साहब जो बात बताए हैं वो तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो राजशेखर रेड्डी साहब 4% रिजर्वेशन के बारे में और फीस अनाउंसमेंट्स के बारे में और ऐसो स्पोर्ट्स के बारे में, तो जो जो बच्चे भी हैं वो लोग ऐसो तवज्जो दें अपने ऐसो सेल्फ डिफेंस के लिए, ऐसो कराटों के लिए,
और जो बताए उन्होंने, पुलिस बाद में आती है, पहले अपना डिफेंस अपन करना चाहिए। ये बात बहुत अहम है। मैं उनकी फैमिली से भी, यहाँ पर जो बच्चे आए उन लोगों की फैमिली से भी आवेदन में गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ पे ऐसा तवज्जो दीजिए। और ऐसा हमारे वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब का आज प्रोग्राम है मेमोरियल जूडो एंड कराटो का, शर्मिला मैडम साहब के आदेश के ऊपर यहाँ पर हमारे शाहिद साहब ऑर्गेनाइजेशन करे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आगे और भी है सो तेलंगाना के अंदर है सो कॉम्पिटिशन्स होंगे आप।